खत्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोके। वज़ीर आज़म कहते हैं आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद पर तवज्जो दे, तमाम ममालिक मिलकर खत्ते की मशीन को बेहतर बना सकते हैं। शंघाई तआवुन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद। भारत की मोहतर एस जयशंकर कहते हैं हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एससीओ का मकसद है अतमाद को तकवीत दे, दोस्ती को फरोख दें, सब अच्छे हमसायों की तरह। शंघाई तआवुन तंजीम का जना कन्वेंशन में इनेकाद। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को कॉन्फ्रेंस हॉल में खुश आमदीद कहा। कॉन्फ्रेंस से कबल ग्रुप फोटो सेशन, सरबराहान की आपस में भी मुलाकात, कॉन्फ्रेंस इंतजाम को खूब सराहा। तारीखी दिन और तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान दुनिया भर की निगाहों का मरकज बन गया। एससीओ तजारत सरमायाकारी और इलाकाई रवाबत बढ़ाने में बाफन, मजबूत माशी रवाबत पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए मुहरक साबित होंगे। Cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of state of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. गाजा में जारियत एक आलमी बरादरी बर्बरियत रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर आज़म का एससीओ समिट के अख्तितामी सेशन से खिताब, कहा मशरिक वस्ता में मुस्तहकम अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। Announced that in accordance with the SEO charter, the chairmanship of the Council of Heads of Government of the SEO member states is transferred to the Russian Federation. The next meeting of the SEO Council of Heads of Government will take place in 2025 in Russia. This council congratulates Mr. Mikhail Mishustin, the Prime Minister of Russia. शंघाई तआवुन तंजीम सरबराहा ने हुकूमत की सदारत रूस के सपोर्ट, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। एससीओ सरबराहान का आइंदा इजलास में 2025 में रूस मेजबानी करेगा। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बामी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। एससीओ का मुश्तरक अलामिया फॉरम की एक तरफा तजारती पाबंदियों की मुखालफत, शुरका ने नए इक्तसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of SEO member states in Islamabad. We are very pleased to host the honorable leaders from the brotherly countries of SEO and have made our best efforts to make their stay in Pakistan as comfortable and productive as we could. We are also grateful for their very constructive engagement and positive contributions during this meeting. एससीओ समिट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एहसास, शंघाई तआवुन तंजीम का इजलास कामयाब रहा, पायदार तरक्की की तजावीज मंजूर की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़दार कहते हैं मुश्तरक अलामिया मशरिक तजारत समेत तमाम इशूज का अहाता करता है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत पेशरफ्त हुई है, जहां इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं। आपको पता है कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो 8.8 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचे हैं। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6.9% पे पहुंच गई है महंगाई, और इसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें 17.5 वो और कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आई टी एक्सपोर्ट्स 3.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं, और ना सिर्फ मईशत तरक्की कर रही है बल्कि पाकिस्तान को जो ये एजाज मिला है शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास की सदारत का और मेजबानी का, वो ऐसे तरीके से हम निभा रहे हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की तन्हाई का तासर खत्म हो गया, शहबाज शरीफ की क्यादत में मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारिक कहते हैं दिन रात कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आगे आ जाए। एससीओ की मेजबानी, शहर कतार की खूबसूरती के दुनिया भर में चर्चे, वफाकी दरल हुकूमत रंग बरंगे फूलों की खुशबुओं से महक उठा, सड़कों की खूबसूरती से आराइश, रंगारंग रोशनी और परचमों की बहार।
ये बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। तो ये एक ऐसी पार्टी है तरीके इंसाफ, जिसको मैं दहशत गर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है। जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। बच्चों को इस्तेमाल किया है, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोज बनवाई। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, मरियम नवाज कहती हैं, जो आग ये इस्लामाबाद पंजाब में नहीं लगा सके, आग लगाने के लिए बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की, 9 मई की तरह बच्चों को उकसा कर इस्तेमाल करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज अलाई साहब की काफ लीग है, जिससे उसका ताल्लुक हो, उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। खवातीन के खिलाफ ये मेरी रेड लाइन, बच्चों के खिलाफ जो जरायम है वो मेरी रेड लाइन। मरियम नवाज का लड़की से ज्यादती का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, कहा मुखालिफ जमात झूठी दास्तान गढ़ कर बच्चों को सड़कों पर ले आई, खवातीन मेरी रेड लाइन, जो मुलविस हुआ उसको छोड़ूंगी नहीं, क्रैकडाउन होगा। मेरी वीडियोस वायरल होने पर तहकीकात के लिए बुलाया गया, मैंने तालिबान को नहीं उकसाया, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की, प्रोफेसर शबनम गुल कहती हैं, तलबा को कुछ लोगों ने एहतजाज पर उकसाया और वो उनके झांसे में आ गए। आईनी तरमीम कमीशन सदर मुमलकत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास सुबह तलब कर लिए, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत, दीवान में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। जेयूआई का आईनी तरमीम के लिए ग्रीन सिग्नल, फजल रहमान और नवाज शरीफ में आज मुलाकात होगी, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ के शाही में जाएंगे, आईनी मसौदे पर तबादला ख्याल होगा। आईनी तरमीम पर इब्तदाई इत्तफाक जमहूरियत की जीत है, सेनेटर शिली रहमान कहती हैं, बातचीत ही जमहूरियत की असल ताकत, बंद दरवाजे खोलने की कुंजी, उम्मीद है तमाम सियासी जमहूरी कुवतें कौम को इत्तफाक राय का तोहफा देंगी। फजल रहमान मान गए तो आईनी तरमीम होगी वरना नहीं, फवाद चौधरी कहते हैं 90% तजवीज करदा तरामीम खत्म हो चुकी हैं, अब मामला आईनी अदालत पर है, सियासतदानों ने आईनी तरमीम पर बात करनी है तो ये तरमीम नहीं। नवाज शरीफ को मरती एहलिया से बात की इजाजत नहीं थी, वानी पीटीआई से तो मुस्तकिल नरमी बरती गई, ख्वाजा आसिफ का जमाना गोल्डस्मिथ के ट्वीट पर जवाब, कहा पीटीआई ने अपोजिशन रहनुमाओं को बगैर किसी इल्जाम कैद किए रखा था।